भाई डैनियल भाई अरे मैया पाकिस्तान और इंडिया का मैच है इतवार वाले दिन, कौन जीतेगा बताओ? पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। कट कर देना प्लीज। आठ की ताज़ा खबर है, रात के 12 बज रहे हैं, आठ की ताज़ा यही खबर है, इंडिया को कुत्ते की तरह पाकिस्तान मारेगा और हर बार भी मारेगा, इस बार भी पाकिस्तान पता होगा जो लेने वाले सब पर्चियों पे खिला रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जंग होता है, इंडिया का मैच हो रहा है इतवार वाले दिन, इसमें कौन जीतेगा? इसमें यार सदर भाई 90% इंडिया जीतेगा, और अगर आप टॉस हार गए पाकिस्तान तो आप 100% शट लगा लो पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा 100 मेरी बात लिख लो अभी, ये आप टॉस हार गए आप मैच हार गए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है, जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, तो उसमें हम लोगों से पूछेंगे कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होने वाला है इतवार वाले दिन, तो वो उसमें कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा इंडिया जीतेगा, और जो पाकिस्तान की टीम में चेंजिंग हुई है, जैसे शाहीन चले गया, तो ये चेंजिंग ठीक थी यानी कि करनी तो थी ना ICC की तरफ से, जब शाहीन को ऊपर कुछ आ गया पता नहीं क्या था जो अच्छा बताएंगे वो जिनको ज़्यादा पता होगा, मुझे इतना क्रिकेट का पता नहीं है तो रहन दो फिर जिनको ज़्यादा पता होगा उनसे पूछेंगे अभी, तो वही बताएंगे फिर, वो सुन लेना क्या था, जो भी था वही था। ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, अब चलते हैं उमर के पास, उमर को लेते हैं फिर आगे चलते हैं लोगों के पास। हमारे भाई तो भाई हम लोग जा रहे थे अभी जो है ना, मैं जा रहा था उमर को लेने, लेकिन उमर जो है ना मुझे मार्केट में ही दिख गया, तो उमर दिख गया अभी। ये बैलेंस क्या करवा रहा है? बैलेंस चलवा रहा था मेरे ख्याल से, शायद बैलेंस चलवा रहे हैं, पैकेज वैकेज करवा रहे हैं, बैटिंग करते हैं। चलो उमर को छोड़ो, कोई आके ये हमारे भाई की इनसे मिलो, ये बड़ा अच्छा लेडीज कस्टमर है, 2 मिनट रुक। तो भाई वो लेडीज कस्टमर आ गई थी, इस वजह से मैं खामोश हो गया। अब तहसीन भाई से पूछते हैं, तहसीन भाई इतवार वाले दिन जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसमें कौन जीतेगा? पाकिस्तान को जीतना चाहिए, शाहीन भी नहीं है टीम में ना, उसके अलावा कोई आया होगा तो आया होगा, कौन जीतेगा यार? अभी लक के ऊपर है भाई। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कामरान भाई छोड़ो, तैयार होने को खैर है, ऐसी वीडियो में होगी। ये बताओ पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है इतवार वाले दिन उसमें कौन जीतेगा? यार जीतना तो पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमें खुशी होगी अगर वो जीतेगा तो, लेकिन टीम तो इंडिया की उससे बेस्ट है। अच्छा देखते हैं मुकाबले वाली टीमें दोनों। अच्छा शाहीन की जगह कौन आया पता है तुम्हें? यार ये तो मुझे नहीं पता। क्रिकेट लवर हो पता तो मुझे नहीं है। अरे ये कार्ड को पता ही नहीं है। अरे कोई बड़ी बताइए ना, ये बोला इंडिया जीतेगा, अभी देख यही कर रहा है लाइव, यही कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम, तो भाई हम लोग आए दारुलूम ना, यहाँ पे मिले मामू, तो मामू से पूछते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है इतवार वाले दिन, मामू उसमें कौन जीतेगा? भाई उसमें तो इंडिया जीतेगा। क्यों? वो इस वजह से हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर खेलने वाला नहीं है, इन लोगों ने वही काम किया पर्चों वाला, आमिर को नहीं लिया, शेब मलिक को नहीं लिया, शर्जील को नहीं लिया, सही है, जो हमारा मेन बॉलर था वो बैठ गया। शाहीन शाह अफरीदी को बिठा दिया, अब ये अल्लाह जाने सच्चे झूठे क्या है, ये तो इनको पता होगा जो लेने वाले सब पर्चियों पे खिला रहे हैं। अभी 3 मैच हुए हैं आइलैंड के साथ, बाबर के अलावा कौन चला इनको ये तो बताओ, पीछे जो तुमने नए लिए वो किस काम के हैं? एक बंदा चले मुझे बताओ, एक दिन 5 विकेट उसने ले लिए, इसका मतलब थोड़ी है इंडिया का प्लेयर है भाई, वो नसीब की बात है, दुआएं हैं उनके साथ, आवाम की तो जीत जाते हैं भाई। इनको बोलो थोड़ा सा एहसास करो, इंडिया का और पाकिस्तान का मैच है, ये इंडिया और पाकिस्तान का जंग होता है, दुनिया में लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं इस मैच को, शौक से देखते हैं, और हमारे लिए तो हम लोग तो इसलिए ज़्यादा खुशी है कि हम कश्मीर गए हैं, कश्मीर चाहते हैं कि इंडिया वालों को ऐसा मारे जैसे इनको चैंपियन ट्रॉफी में मारा था, एशिया कप में मारा था, इससे बुरी शिकस्त इनको अभी दे दे। ठीक, तो भाई ये पाकिस्तानी टीम के जो फैंस है ना उनका यही हाल है, सारे गुस्से में है। मैं तो उनको रमीज राजा को बोला आप शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, शहनशाह अफरीदी की जगह आमिर को ले लो, अभी भी वक्त है, आमिर को लो, शर्जील कैसा खेल रहा है,
कश्मीर लीग में देखो कैसा खेल रहा माशाल्लाह, अब इससे ज़्यादा क्या देगा वो आपको खेल के। ये वीडियो डालो और पूरे मुल्क में फैलाओ, सबसे पहले इसको क्या नाम है रमीज राजा को कि आप थोड़ा शर्म करो, इंडिया का मैच है और पाकिस्तान का, ये जंग है और हम है कश्मीर के भाई, हम तो चाहते हैं कि इंडिया को कुत्ते की तरह मारे। Hour later. तो अभी भाई हम लोग आए हैं सफवान भाई के पास, पीछे से जनरेटर चल रहा है शायद आवाज आए उसकी। अभी हम लोग आए सफवान भाई के पास, तो उनसे मिलते हैं और उनके साथ कभी भी हमने जो है ना प्यार मोहब्बत से बात ही नहीं की, दोस्त है तो दोस्त से आपको पता है कैसे बात होती है, तो उसी तरीके से बात करते हैं। आज पहली बार जिंदगी में उससे बहुत ही प्यार मोहब्बत से हम बात करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उसको ये हजम होता है नहीं होता। अभी आ जाए तो आपको मिलवाते हैं इंशाल्लाह उससे। अस्सलामु अलैकुम सफवान, ये सफवान अभी मजा आएगा ना भाई हमारे, ये है सफी, ये सफवान भाई हमने बहुत दिनों बाद मिले, इनके मशहूर है कि ये हमें मिले, हम इनके शुक्र गुजार हैं। सफवान भाई सबसे पहली बात तो आपसे ये पूछनी है, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, तो भाई हम लोग सैफी भाई कैसे जैसे ही बात शुरू करने लगे ना, सैफी भाई ने बोला रुक जाओ वीडियो रोक दो, सबसे पहले इकराम है मुस्लिम, तो सैफी भाई ने बोला मैं आपका इकराम करूंगा, और सैफी भाई दिया है हमें चिप्स खिलाने, चाय बनाने ले जा रहे थे, फिर हमने बोला चिप्स खिला दो। सैफी भाई आपसे पूछना ये था कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इतवार वाले दिन, उसमें कौन जीतेगा? अल्लाह आलम, मुझे तो नहीं पता, मेहनत के ऊपर बात है, जिस तरह मेहनत करेंगे इंडिया वाले, मेहनत करेंगे इंडिया वाले जीत जाएंगे, थोड़ा सा जोर से बोले पाकिस्तानी मेहनत करेंगे तो पाकिस्तानी जीत जाएंगे, लक के ऊपर बात है, जिसका लक चल गया। एक तो हम लोग इतने प्यार से तमीज और तहजीब से बात कर रहे हैं, तो सैफी भाई बोल रहे इतने गाढ़े क्यों हो रहे हो, क्या बोल रहे हो सैफी भाई आप, क्या हम लोग ऐसे बात नहीं करते यार, पसीने आ रहे हैं थोड़ा सा। हाँ वो तमीज से बात करने पे क्या कह रहे हो? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेहमान हो आप, मेहमान की इज्जत करना चाहिए, और आपको लाएंगे और आराम से, फिर जब हो जाएगा वक्त मेहमान पूरे हो जाएंगे, मेहमान टाइम पूरा हो जाएगा तो आपकी लात मारेंगे और भगा देंगे, लात मार के भगा देंगे यार, ये कैसी मेहमान की इज्जत हुई, लात मार के भगा दोगे आप? आपसे एक बात पूछनी थी जी भाई, ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है इतवार वाले दिन, इसमें कौन जीतेगा क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह जीतेगा तो पाकिस्तान, लेकिन इंडिया वाले इंतजार में बैठे हुए हैं कि T20 का बदला लेना है, लेकिन इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तानी। सही, और शाहीन के बारे में क्या बोले? शाहीन के बारे में बड़ा दुख हुआ, इसकी जगह हसनैन को पता नहीं किसको ले लिया है, लेकिन आमिर आजा तो बेस्ट हो जाता, आमिर आजा तो बेस्ट हो जाता, सबने जिस जिस का आमिर का वो अच्छा है। सही, जिससे पूछा वो यही बोल रहा है आमिर, बिल्कुल, लेकिन शाहीन के बारे में बड़ा दुख हुआ, लेकिन इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। इतनी खुशी। तो भाई अभी हम लोग आए हैं ज़ीशान भाई के पास, ज़ीशान भाई से पूछते हैं, ज़ीशान भाई को बहुत ज्यादा मालूम आते क्रिकेट की, तो ज़ीशान भाई से पूछते हैं, ज़ीशान भाई ठीक है सर, ये भाई। जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है इतवार वाले दिन, इसमें कौन जीतेगा? इसमें यार सदर भाई 90% इंडिया जीतेगा, 90% वजह, और अगर आप टॉस हार गए पाकिस्तान तो आप 100% शट लगा लो पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा 100% मेरी बात लिख लो, अभी आप टॉस हार गए आप मैच हार गए, पहली बैटिंग करी पाकिस्तान ने पाकिस्तान मैच हार गया, क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पास बैकअप बॉलर कोई भी नहीं है, और आप पांड्या की, ऋषभ पंत की और विराट कोहली बैटिंग देख लेना, आप मेरी बात लिख लो, ये खतरनाक बैटिंग, खतरनाक बैटिंग, और हमारी तरफ से हो सकता है फखर जमान और बाबर आजम, बस दो चलेंगे बस, इसके अलावा कोई चलेगा नहीं, कोई नहीं। आप अगर टॉस हार गए तो आप 100% मैच हार गए, तो बस दुआओं पे है, दुआओं पे मैच है, क्योंकि आपके पास मेन प्लेयर तो कोई भी नहीं है, फखर जमान से मैच विनर प्लेयर है, आप टॉस हार गए आप मैच हार गए। यहाँ पे अभी हमें मिले हैं दानियाल भाई, दानियाल भाई पाकिस्तान और इंडिया का मैच है इतवार वाले दिन, कौन जीतेगा बताओ? पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, नाजरीन आज की ताज़ा खबर है, रात के 12 बज रहे हैं, आज की ताज़ा यही खबर है, इंडिया को कुत्ते की तरह पाकिस्तान मारेगा, और हर बार ही मारेगा, इस बार भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंशाल्लाह लेकर जाएगा, और हर साल ही पिटता रहेगा इंडिया। अच्छा पाकिस्तान से, आज की ताज़ा खबर, पक्का पाकिस्तानी, पक्की
पक्का पाकिस्तानी हूँ और इस बात पे मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंडिया को कुत्ती की तरह धोएगा ये पाकिस्तान। अच्छा, आपसे मर्दों वाला वादा है, मेरे से दूर हटके मर्दों वाला वादा, बस क्यों कर बोल वादा सही है। आज की ताज़ा खबर है, आपको हमने सच बता दिया, अब आ जानो और आपका काम जानो और आपकी मीडिया जाने। अच्छा अब सर मुझे ये जो आपके फैन थे उनको बोल दें WUM की वाइब्स को सब्सक्राइब करो, WUM की वाइब्स को सब्सक्राइब करो। तो भाई ये व्लॉग यहीं तक के था, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार तुम लोग, इतने सारे बंदे देख रहे पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। ठोको सब्सक्राइब ठोको।